नमस्कार, गोड्डा झारखंड न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झामुमो के 42वें स्थापना दिवस पर दुमका में बोले सीएम हेमंत सोरेन, नियुक्तियों का वर्ष होगा 2021। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 42वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को सादगी के साथ उपराजधानी दुमका में मनाया गया। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने दुमका में झामुमो का झंडा फहराया और शहीद द्विवेदी पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक बसंत सोरेन, नलिन सोरेन समेत अन्य मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 2021 नियुक्तियों का साल होगा। झामुमो के स्थापना दिवस पर सीएम ने रोजगार पर बोलते हुए कहा कि बेरोजगारों को धड़ल्ले से रोजगार मिलेगा, इसके लिए तेजी से भर्तियां की जाएगी। 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा, हर एक क्षेत्र में रोजगार सृजन का काम होगा। झारखंड आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति देने के लिए नियमावली बनाई जाएगी। जब तक झारखंड में झारखंडियों की सरकार है, तब तक इस राज्य का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। हम हर हाल में अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। सरकार में हम नहीं, आप जनता लोग हैं। आप लोग जो चाहेंगे सरकार वही काम करेगी। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 4 मई से आयोजित की जाएगी। परीक्षाएं 21 मई तक जारी रहेगी। प्रथम पाली में मैट्रिक की परीक्षा और द्वितीय पाली में इंटर की परीक्षा होगी। इससे पूर्व 6 अप्रैल से प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी शुरू होगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जेक द्वारा जारी किया जाएगा, यह जानकारी जेक अध्यक्ष ने दी है। गौरतलब है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि शुरुआत में 9 मार्च को रखा गया था, लेकिन बाद में जेक ने दूसरे राज्यों में होने वाली बोर्ड परीक्षा का अध्ययन किया और इसी के मद्देनजर घोषित परीक्षाओं की तिथि को सस्पेंड करते हुए उस पर रोक लगा दी। इसके अलावा एक कारण यह भी था कि CBSE मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अप्रैल में ले रहा था, जिस वजह से अभिभावक भी इस मामले पर आपत्ति जता रहे थे। बता दें कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं के सिलेबस में 40% की कटौती की गई है। इसके साथ साथ इस बार सब्जेक्टिव प्रश्न की अपेक्षा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी, जबकि तकरीबन 7.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। साहिबगंज के मखमलपुर में देर रात लगी भयानक आग, एक दर्जन घर जले, लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। साहिबगंज मुफसिल थाना क्षेत्र के मखमलपुर नॉर्थ बथान मांझी टोला में सोमवार रात लगभग 11 बजे भयानक आग लगी। इस आगजनी की घटना में 10 से 12 घर के जलने की सूचना है। इसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मुफसिल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद आग को काबू में करने में जुट गए। ग्रामीणों की मदद से पुलिस और दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक कई घर आग के चपेट में आ गए थे। आगजनी की घटना के बाद कई लोग बेघर हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर DC ने CO BDO को घटनास्थल पर जाकर पीड़ितों को राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। वहीं पुलिस आग लगने के कारण की जाँच पता करने में जुटी है। बहरहाल इस आगजनी की घटना से कईयों के घर को जलाकर राख कर दिया है। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। आम लोगों तक पहुंचाएं योजना की जानकारी। कार्यकर्ता सरकार की सभी योजना की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं, तभी लोग योजना का लाभ उठा पाएंगे। राजमहल सांसद विजय हंसदा मंगलवार को झामुमो के 42वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम गोकुलपुर के लड्डू बाबू आम बागान में हुआ। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष श्याम यादव ने की। इस दौरान सांसद ने कहा कि राज्य में गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। गरीबों के हित के कई कार्य किए जा रहे हैं। हमारा दायित्व है कि इसका लाभ गरीबों को मिले। उन्होंने कहा कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों की जानकारी भी लोगों को देनी है, ताकि भाजपा का सफाया किया जा सके। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 41 सालों से झामुमो दुमका में झारखंड स्थापना दिवस काफी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाते आया है, लेकिन कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई परिस्थिति में पार्टी ने इस बार का स्थापना दिवस जिला स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। वहीं साइमन मरिंडी ने कहा कि दिसम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष का नतीजा है कि आज हम अपने को झारखंडी कह पाते हैं। खबर है झारखंड के गोड्डा से। बर्ड फ्लू को लेकर जिला पशुपालन विभाग सतर्क है। इस संबंध विभाग के स्तर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं रैपिड रिस्पांस टीम भी सक्रिय है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में अब तक बर्ड फ्लू को लेकर 205 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। यहां से सैंपल को जांच के लिए रांची निदेशालय भेजा जाता है। हालांकि अब तक यहां एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। खबर है झारखंड के जामताड़ा से।
झारखंड कृषि लोन माफी योजना की जामताड़ा से की गई शुरुआत। सोमवार को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत राज्य स्तर पर जामताड़ा जिले से शुभारंभ किया गया। झारखंड सरकार कृषि पशुपालन एवं सहकारिता माननीय मंत्री बादल पत्रलेख ने दूरभाष पर उपायुक्त फैज अहमद मुमताज को राज्य स्तर पर जिला के पहले लाभुक के कृषि ऋण माफी पर बधाई दी। लाभुक से 1 रुपया सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त किया गया एवं उन्हें 50,000 अधिकतम किस्त की राशि स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य स्तर से जामताड़ा जिला से 5 लाभुक का कृषि ऋण माफी योजना से 50,000 प्रति लाभुक ऋण स्वीकृति दी गई। पहला लाभुक राज्य स्तर पर मोलिंद्र बेहसरा का ऋण माफ किया गया। खबर है झारखंड के खुट्टी से। खुट्टी के खिलाड़ियों को तैयार होगी मेडिकल हेल्थ प्रोफाइल, तैयारियों में लगा प्रशासन। खुट्टी में खेल के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं, इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने खिलाड़ियों को बेहतर भविष्य बनाने और समुचित ट्रेनिंग के साथ साथ अन्य सुविधाएं देने की पहल की है। डीसी शशि रंजन ने जिले की खिलाड़ियों की मेडिकल हेल्थ प्रोफाइल तैयार कराए जाने में दिलचस्पी दिखाई है। विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों की सभी प्रकार के स्वास्थ्य मानकों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाए। खिलाड़ियों के लिए हेल्थ प्रोफाइल तैयार किए जाने के संबंध में खुट्टी जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। 1 फरवरी को इस संबंध में जिला स्तरीय खेल संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। खबर है झारखंड के गिरिडीह से। चाचा 1 करोड़ का इनामी उग्रवादी, भतीजा नक्सलियों से ले रहा है लोहा। गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ की तलहटी में स्थित पिरटाड़ प्रखंड का मदनाडीह गांव नक्सल प्रभावित है। आधा दर्जन से अधिक राज्यों का मोस्ट वांटेड और 1 करोड़ रुपये का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा इसी गांव का रहने वाला है। मिसिर भाकपा माओवादियों की सर्वोच्च कमेटी पोलित ब्यूरो का सदस्य और नक्सलियों का मुख्य रणनीतिकार है। मिसिर बेसरा जहां नक्सली आतंकी फैलाने में लगा है, वहीं उसका भतीजा सुशील कुमार बेसरा CRPF में भर्ती होकर पिछले करीब 5 साल से नक्सलियों से लोहा ले रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद अब बंगाल के पुरलिया में नक्सलियों के खिलाफ CRPF की मुहिम में शामिल है। मिसिर बेसरा ओडिशा और झारखंड के बॉर्डर पर सक्रिय है। मिसिर के भतीजे सुशील का कहना है कि सभी को लोकतंत्र में भरोसा होना चाहिए और उसे मजबूत करना चाहिए। देश को तोड़ने वाला, आतंक फैलाने वाला और नफरत के बीच बोने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। खबर है झारखंड के लातेहार से। जनता दरबार में आए आवेदनों पर करें त्वरित कार्रवाई। उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर उप विकास आयुक्त सुरेंद्र वर्मा के कार्यालय कक्ष में जनता दरबार आयोजित किया गया। जनता दरबार में विभिन्न प्रखंडों से आए ग्रामीणों की समस्या उप विकास आयुक्त ने सुनी एवं समस्या समाधान को लेकर पदाधिकारियों को निर्देशित किया। DTC ने कहा कि जनता दरबार में जो भी ग्रामीण समस्या लेकर आते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करें ताकि ग्रामीणों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल सके एवं जिला प्रशासन के प्रति उनका विश्वास बढ़े। जनता खबर है झारखंड के कोडरमा से। झारखंड के कोडरमा मेडिकल कॉलेज के ड्रीम प्रोजेक्ट पर असुरक्षा का साया, उपायुक्त को पत्र लिखकर की ये मांग। आम अवरोधों व लेट लतीफों से मेडिकल कॉलेज कर्मा कोडरमा के निर्माण का सपना जल्द पूरा होने की आस नहीं है। इस बीच मेडिकल कॉलेज के ड्रीम प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने से पहले सुरक्षा का मसला सामने आ गया है। निर्माण कार्य कर रही कंपनी सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने निर्माण कार्य को लेकर सुरक्षा की मांग के साथ उपायुक्त के नाम एक पत्र लिखा है। पत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा काम, रोजगार आदि के नाम पर डराने धमकाने की शिकायत की गई है। बोरियो मुंडरू व तलझारी में खुलेगा एकलव्य विद्यालय। बोरियो विधायक लोबिन हेमरम ने कहा कि बोरियो मंडरो तलझारी में एकलव्य विद्यालय बनाया जाएगा। जल, जंगल व जमीन की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी को राज्य चलाने का दायित्व मिला है। सरकार गरीबों के हित में काम करेगी। भाजपा सरकार से खाली खजाना सौंपा गया है। हेमंत सरकार ने इसके बावजूद भी राज्य का विकास किया है। 4 साल में विकास की गंगा बहेगी। वे मंगलवार को यहाँ के स्टेडियम में पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। कहा कि केंद्रीय समिति के निर्देश पर कोरोना महामारी को देखते हुए जिले के झामुमो कार्यकर्ता बोरियो में एक साथ शारीरिक दूरी का पालन करते हुए स्थापना दिवस मना रहे हैं। कोरोना काल में CM हेमंत सोरेन ने पूरे देश से अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से लाने का काम किया, कृषि लोन माफ किया। सरकार किसानों बेरोजगारों के हित में बजट पेश करेगी। मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है वह किसानों के, गरीबों के हित में नहीं है। खबर है झारखंड के बोकारो से। बोकारो में राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 19 फरवरी से शुरू। लंबे समय के बाद जिले में तीरंदाजी प्रतियोगिता 19 फरवरी से शुरू होगी। 3 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागी शामिल होंगे।
लॉकडाउन के बाद जिले में एक बार फिर खेल की सरगर्मी बढ़ने से खेल प्रेमियों में उत्साह है। बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के सचिव कर्ण कर्मकार ने बताया कि लंबे अर्श बाद जिले में बड़े स्तर पर तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ ओलंपियन में भी हिस्सा लेंगे। कर्मकार अनुसार जिले प्रतियोगिता के माध्यम से जिले के रिकर्व खिलाड़ियों को पदक जीतने का शानदार मौका मिलेगा। खबर है झारखंड के पलामू से। पलामू में ई रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की रूपरेखा तय। ई रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम अंतर्गत विभिन्न राजस्व न्यायालय के वादों का त्वरित निष्पादन को लेकर उपायुक्त शशि रंजन ने मंगलवार को समाहरणालय में बैठक कर रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के कार्य प्रणाली पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में बताया गया कि विभिन्न राजस्व न्यायालय के वादों का निष्पादन के लिए RCMS सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत नागरिकों को अब ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर उन वादों का निष्पादन ऑनलाइन किया जाना है। उपायुक्त ने कहा कि कई नागरिक ऑनलाइन प्रक्रिया सहज से नहीं कर पाते हैं, ऐसे मामलों संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि आवेदकों से ऑफलाइन आवेदन या पिटीशन दाखिल कराकर कार्यालय कर्मियों से दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड कराना सुनिश्चित करें और आवश्यकता अनुसार आवेदक प्रज्ञा केंद्रों की भी मदद कर लें। खबर है झारखंड के गुमला से। 4 फरवरी को गुमला के सिरा सीता में लगेगा मेला। 7 राज्य से आदिवासी समुदाय के हजारों लोग का होगा जुटान। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत डुमरी प्रखंड में सिरासीता नाले उर्फ ककड़ो लता आदिवासी समुदाय की उत्पत्ति स्थल मानी जाती है। 1000 फीट से अधिक ऊंचाई पहाड़ पर स्थित यह स्थल आदिवासी समाज की आस्था और विश्वास से जुड़ा है। यहां हर साल फरवरी महीने के प्रथम गुरुवार को सामूहिक धार्मिक पूजा अर्चना सह मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसे में मेले में बिहार, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा के अलावा झारखंड के विभिन्न जिलों से 20,000 से अधिक आदिवासी शामिल होते हैं। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।